पता है कल मामू ने जब मेरी शॉपिंग देखी तो फिर क्या बोला मुझसे? हाँ यही कहा होगा, पैसे आसमानों से नहीं गिरते, दरख्तों में नहीं लगते, खर्च किया करो, देख के किया करो, है ना। और ये सुन के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। वैसे पता है क्या हमारे, मुझे तुम्हारा ये ख़राब मूड ना ठीक करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं नहीं तुम मेरी बात नहीं समझे। असल में मैं तो ये कहना चाह रही थी कि वो जब मामू ने शॉपिंग देखी ना मेरी, तो उन्होंने इतने सारे पैसे निकाल कर हमने और आना को दे दिए और कहा जाओ इससे भी अच्छी शॉपिंग करके आओ, जैसे हम तो कुछ लगते ही नहीं है ना उनके। और ये सारी बातें सुन के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया यार? उनका घर है, उनका पैसा है, जिसको चाहे जितना चाहे दें, तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक है? हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे और मामू के ख्याल के लिए कह रही थी। समझ नहीं रहे ना तुम मेरी बात? कल को अब ये लड़कियां ना अगर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगी ना तो मुझे कुछ मत कहना, मैंने तुम्हें बता दिया था पहले। हेलो, हाँ तानिया, तानिया कुछ नहीं, छोटी सी बिजनेस मीटिंग में। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्री हो गया तो मैं कॉल करूँ। एक काम करते हैं, 9 o'clock डिनर। ओके बाय। मेरी बात सुनो मारियो, अपने छोटे से जहन को इतना मत उलझाया करो, जो है जैसा है चलने दो, चाहे इतने सारे लोगों को पैसे बैठते हैं वहां थोड़े और सही, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बदतमीजी है तानिया? पता नहीं तानिया कहां से आ गई। मारिया,